गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। दोस्तों, मैं सुधीर त्रिपाठी पंडित जी, अंक ज्योतिषाचार व वास्तु गुरु जी, यूट्यूब चैनल गुरुजी लाइव 24 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो शायद हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या भी है, उसी के ऊपर हम आपको आज बताने जा रहे हैं। देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी। जैसे एक वैकेंसी निकलती है और उसमें 100 पोस्ट हैं, 100 लोगों को लेना है, फॉर्म भरते हैं 1,00,000 लोग, 1,00,000 लोग फॉर्म भरते हैं, होना कितने का? 100 का। अगर इसको रेशियो में देखें तो शायद पॉइंटों में रेशियो है, 1% होता तो 1,000 होता, वो भी नहीं है। हमारे देश में 20-22 साल के बाद जो युवा होता है वो नौकरी की तैयारी करने लगता है और वो 35 साल तक सरकारी नौकरी के पीछे भागता रहता है। मेरा अपना मत है, मेरा अपना मानना है कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट को सरकारी नौकरी को बंद कर देना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि पंडित जी क्या कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। इस 15 साल में देखा जाए तो जो 1,00,000 लोग 100 वैकेंसी के लिए फॉर्म भर रहे थे वो हो सकता है 1,000 हो, 2,000 हो या 5,000 हो। अब सोचो कि 1,00,000 लोगों में मात्र 5,000 लोगों को नौकरी लगी, 95,000 लोगों को नौकरी नहीं लगी। 35 साल के बाद वो रोज़गार की तलाश में जाते हैं, रोज़गार की तलाश में जाते हैं तो पता पड़ा कि 10 साल के बाद 45 साल में कहीं कुछ जाके अपनी ज़िंदगी में कर पाते हैं। अब आप सोचो कि अगर सरकारी नौकरी, मैं कहता हूँ बंद कर दो, तो ये पूरा 1,00,000 लोग जो 22 साल 20 साल के हैं वो अगर कार्य करेंगे तो वो 10 साल में वो भी है ना इस जगह पर पहुँच जाएंगे, तो सोचो कि देश कहाँ जाएगा। इस देश की विडंबना है कि जो युवा है वो कार्य करते नहीं, 35 साल तक तो करते नहीं, वो सरकारी नौकरी के पीछे भागता है। आज का वीडियो ये नहीं है, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो तैयारी करते हैं, बहुत तैयारी करते हैं और किसी ना किसी कारण बस जैसे 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर से हर बार रुक जाते हैं। घर में कोई इंसिडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, नहीं जा पाते हैं और नौकरी उनकी रह जाती है। तो ये आज का वीडियो उन लोगों के लिए है, ऐसे लोगों के ऊपर मेरा जो अपना अध्ययन है। ऐसे लोग कहते हैं ना कि पृथ्वी तत्व जिनका कमज़ोर होता है, ऐसे लोग नौकरी से रह जाते हैं। पृथ्वी तत्व क्या होता है? जैसे हम कहें पृथ्वी, पृथ्वी स्थिर है, स्टेबल है। जिसकी कुंडली में पृथ्वी तत्व कमज़ोर होगा तो उसकी लाइफ की स्टेबिलिटी ख़त्म रहती है, नहीं रहती है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, वो उपाय आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, और हाँ इसके पहले एक बात और कहूँगा, जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं वो हमारे उपाय भी करेंगे, कोई लाभ नहीं होने वाला। फिर मैं कह रहा हूँ उपाय उन लोगों के लिए हैं जो पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला उपाय है वो ये है कि बाज़ार से एक तुलसी की ओरिजिनल माला ओरिजिनल ही होनी चाहिए, ओरिजिनल माला लेके आएँ और उससे गायत्री मंत्र का जाप करें, रोज़ एक माला गायत्री मंत्र का जाप करें। दूसरा उपाय क्या करना है? दूसरा उपाय हमने आपको कुछ वीडियो पहले आपको पारद के शिवलिंग के बारे में बताया था, उसी पारद का एक गुटका आता है जो हम गले में लॉकेट के रूप में पहनते हैं, वो भी क्या करता है हमारे पृथ्वी तत्व को अच्छा करता है। वो गले में धागे में डालकर हम पहन सकते हैं, उससे बहुत लाभ होता है, ये मेरा अजमाया हुआ उपाय है। तीसरा उपाय क्या करें, स्फटिक की माला भी गले में पहने या जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ पर उस माला को रख दें और उसको टच करते रहें,
सबसे बेहतर जो होगा कि स्फटिक की माला में पारद का गुटका डालकर उसको पहन सकते हैं, या अलग अलग भी पहन सकते हैं। और क्या करना है का? जब हम पढ़ाई करते हैं तो वहाँ कांच के एक गिलास में पानी रखें और उस पानी को पढ़ने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पीते रहें। एक उपाय और क्या करना है कि तुलसी की माला भी अपनी पढ़ाई की टेबल पर रख सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि हम उसे एकदम स्वच्छ हाथों से, साफ हाथों से ही टच करें, अन्यथा नहीं रखें। ऐसे सारे लोग जिनका पृथ्वी तत्व कमज़ोर होता है वो विशेष रूप से स्लीपर जो घर में हम लोग पहनते हैंगे नहीं पहने, ऐसे सारे लोग स्लीपर पहनते हैं जिनका पृथ्वी तत्व कमज़ोर होता है। तो घर में क्या करें, नंगे पैर रहें। दोस्तों ये हम फॉर्म भरें, पढ़ाई करें और ये छोटे छोटे उपाय करें तो क्या होगा, हमारी नौकरी जल्दी लग जाएगी, वो नौकरी सरकारी हो या नौकरी हमारी प्राइवेट हो। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। और इस वीडियो को इतना अधिक शेयर कीजिए कि और भी जो लोग जो इस वीडियो को नहीं देख पा रहेंगे, आपके मित्र हैं, पढ़ाई करते हैं, उन तक ये वीडियो आप तक पहुँचा सकें, तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दोस्तों अब ये तो बात हो गई हमारी नौकरी लगने की, अब मान लो हमारी नौकरी लग गई, इसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरी तो लग जाती है लेकिन छूट भी जाती है, या तो वो स्वयं छोड़ देते हैं, जैसे हम प्राइवेट नौकरी की बात करें तो कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं होते, नौकरी स्वयं छोड़ देते हैं, या क्या होता है कंपनी उनको निकाल देती है किसी न किसी कारण से। हमारे अगले वीडियो में हम आपको उपाय बताएंगे कि नौकरी लगने के बाद आपकी नौकरी रेगुलर चलती रहे। तब तक आप हमारे संग बने रहिए, तब तक राधे राधे, जय हिंद।